हेलो फ्रेंड, मैं शिवानी मिश्रा, स्वागत है आप सभी का डिज़ाइनपुर में। आज बैक ब्लाउज डिज़ाइन बताएंगे। ब्लाउज की लंबाई 13.5 इंच है, चौड़ाई 10.5 इंच है, शोल्डर की चौड़ाई 5.5 है, आर्म होल की लंबाई 5.5 है, 2.5 इंच की चौड़ाई देते हैं। गले की मैं मार्किंग करी हूँ, अपने अकॉर्डिंग 2.5-3 जितना लेते हो ले लीजिएगा। नीचे के साइड से 3 इंच पर मार्क कर दिए, दोनों मार्किंग बराबर करते एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब गले की लेंथ लेंगे तो अपने अकॉर्डिंग लेंथ ले सकते हैं। मैं 10 इंच रख रही हूँ इसकी लंबाई, तो 10 इंच के बराबर मैं यहाँ पे मार्क करके बिल्कुल बराबर एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब गले की डिज़ाइन का मार्किंग करेंगे तो गले का डिज़ाइन थोड़ा सा मटका शेप में ही रहेगा, ज़्यादा मटका मत रखिएगा, हल्का सा मटका शेप कर दीजिएगा। अब देखिए इसकी कटिंग कर दी है मैंने, तो देखिए राउंड और मटका शेप मिक्सअप करा है जो है ये। तो मैंने ये ब्लाउज़ का मेन फैब्रिक ले लिया, अब इसकी भी सेम कटिंग करेंगे जैसे अस्तर की है गले की। तो दोनों फैब्रिक का कट होने के बाद दोनों को पहले बराबर में रख लेंगे और पिन कर देंगे, इससे गला स्टिच करने में आसानी रहेगी। तो आप बराबर ऐसे रखते हो फिर गले को पूरा स्टिच कीजिएगा। तो मैंने देखिए गले को पूरा अच्छे से स्टिच कर दिया। इसमें जो गले पे स्टिचिंग लगाने के बाद ये एक्स्ट्रा फैब्रिक इस पे छोटे छोटे कट लगा लेंगे। जब इसको पलट कर सीधा करेंगे तो डिज़ाइन बिल्कुल इसी शेप में आएगा जैसे गले को कट किए हैं। तो ये देखिए पलटने के बाद बिल्कुल गला शेप में आ चुका है। अब इसके ऊपर से एक फिनिशिंग की स्टिचिंग करेंगे, इसे परफेक्ट डिज़ाइन दिखने लगेगी गले की। तो मैंने ये देख लीजिए गले की पूरी फिनिशिंग की स्टिचिंग कर दिया है। अब ब्लाउज की ऑलराउंड स्टिचिंग करेंगे तो अस्तर कपड़े को बराबर फैलाते हुए साइड से सिलाई लगाते हुए पूरे ब्लाउज की ऑलराउंड स्टिचिंग कर देते हैं। तो ये देखिए कम्प्लीटली मैंने ब्लाउज की ऑलराउंड स्टिचिंग कर दी है। नीचे के साइड से ब्लाउज में टक्स की स्टिचिंग करेंगे तो माप लेते दोनों साइड से बिल्कुल बराबर में टक्स को स्टिच कीजिएगा। इसी तरीके से आप जो है टक्स को स्टिचिंग कर लीजिएगा दोनों साइड, जैसे मैं वीडियो में दिखा रही हूँ। तो एक साइड से हो चुके, दूसरे साइड से माप लेंगे और टक्स को स्टिच कर देते हैं। तो मैंने दोनों साइड से टक्स की स्टिचिंग कर दी है। नीचे का बॉर्डर बनाना है तो नीचे का बॉर्डर बनाने के लिए फैब्रिक लें, इसको बराबर करते नीचे के साइड से पूरा स्टिच कर देते हैं। तो देख लीजिए वीडियो में कैसे इसको स्टिच करें, इसी तरीके से बराबर पूरी स्टिच कीजिएगा। तो कम्प्लीटली स्टिचिंग इसकी हो चुकी है। अब इसको जो स्टिच की पट्टी को उसको बराबर में फैला देंगे, इसके ऊपर से एक सिलाई लगा के इसकी पूरी फिनिशिंग की स्टिचिंग कर देंगे। तो फिनिशिंग की स्टिचिंग पूरी हो चुकी है। अब इस पट्टी को डबल फोल्ड करके ब्लाउज के साथ में ज्वाइंट करते हुए इसका बॉर्डर पूरा अच्छे से बनाते हुए स्टिच कर देंगे। तो वीडियो में देख रहे हैं मैं कैसे बॉर्डर इसका बना रहे हैं, इसे बना लीजिएगा बॉर्डर पूरा। तो मैंने ये देखिए पूरा अच्छे से ब्लाउज का बॉर्डर नीचे के साइड से बना दिया है। अब ब्लाउज के गले पर डिज़ाइन करनी है तो चलिए ब्लाउज साइड रखेंगे। और मैंने देखिए एक पट्टी ले ली है, पट्टी की चौड़ाई मैंने 4 इंच रखी, लंबाई थोड़ा ज़्यादा रखिएगा। तो गले के अकॉर्डिंग आप जो है 4 पार्ट्स में कर देंगे डिवाइड, तो उतना लंबाई रखिएगा ये पट्टी की, थोड़ा बहुत लंबाई ले लीजिएगा। तो देखिए इसको डबल फोल्ड करके मैं स्टिच करी, आपको समझ में आ रहा होगा। तो मैंने ये देख लीजिए एक साइड से पूरा इसको दोनों साइड को जॉइंट करते हुए पूरा स्टिच कर लिया है। अब इस डिज़ाइन को पलट कर सीधा करना है तो पलटने के लिए कोई भी चीज़ ले लीजिए जिससे आप इसको सीधा कर सकें। अब इसी से इसको प्रेस करते हुए पूरा पलट कर सीधा कर लेते हैं। तो मैंने ये देख लीजिए पूरी पट्टी को पलट कर सीधा कर दिया। अब इसको हाथों से थोड़ा प्रेस कर देंगे, इसे बराबर में आ जाएगा, डिज़ाइन बनाने में ईजी रहेगा। तो मैंने इसको हाथों से देखिए थोड़ा प्रेस कर इसे मैं पूरा कर दूंगी। अब एक कॉर्नर लेंगे और यहाँ से इसका फ्रिल बनाना स्टार्ट करेंगे। तो आप वीडियो में देख रही हैं मैं फ्रिल कैसे इसका बना रही हूँ, इस तरीके से पूरा फ्रिल बना लीजिएगा गले की। तो आपको समझ में आ रहा होगा ये फ्रिल ऐसे पूरा बनाएंगे, जितना आपका गला आए, जितना गला का एरिया हो उसी अकॉर्डिंग ये फ्रिल रहनी चाहिए, पूरी उतनी लंबाई होनी चाहिए फ्रिल की। तो मैंने उसी तरीके से ये फ्रिल पूरा बना लिया है। थोड़ा बहुत मैंने एक्स्ट्रा ही रखा है फैब्रिक जिससे गले पे ये फ्रिल छोटा ना हो। तो ये मैंने पूरा देखिए अच्छे से बना दिया, आपको समझ में भी आया होगा। अब इस डिज़ाइन को साइड रखते हैं और मैंने देख लीजिए ये कुछ फैब्रिक कट कर दिए स्क्वायर में। इसकी लंबाई चौड़ाई जो मैंने रखी मैं आपको देखिए साइज़ करके दिखा देती हूँ, 3.7 इंच है। अब इसको इस तरीके से 4 पार्ट में फोल्ड कर देंगे और इसके जो ये
नो कॉर्नर निकला हुआ, इसको अच्छे से कट कर देंगे, राउंड में कट कीजिएगा। तो देखिए राउंड शेप में आ चुका है। किसी भी गोल चीज़ से मार्क कर भी करके भी कटिंग कर सकते हैं। तो देखिए एक डिज़ाइन लेंगे, उसको ऐसे फोर पार्ट्स में फोल्ड करेंगे, फिर निडल की हेल्प से ये जो राउंड वाला से आ रहा है शेप, यहाँ से सिलाई लगाएंगे छोटे छोटे पार्ट्स में। तो देख रहे हैं आप छोटी छोटी सिलाई लगाते हुए मैं इन डिज़ाइनों को फोल्ड करते हुए कैसे स्टिच करूँ। इस तरीके से हम इसकी छः कलियाँ बनाएंगे। तो मैंने ये छः डिज़ाइन कट किए हुए राउंड में, ऐसे सबको स्टिच कर लेते हैं। तो आप देख रहे हैं वीडियो में मैं कैसे इनको स्टिच करूँ। ऐसे पूरा स्टिचिंग कर लीजिएगा, इसको भी ऐसे फोर पार्ट में फोल्ड करेंगे, पूरा स्टिच कर लेते हैं अच्छे से। तो मैंने इस तरीके से पूरा कर लिया है। अब इसको यहाँ से टाइट गांठ लगा के नीचे के साइड से बांध लेंगे पूरा। तो वीडियो में आप देख रहे हैं मैं कैसे इसको बांध रही हूँ, ऐसे पूरा बांध लीजिएगा। तो मैंने ये बांध लिया, इसको एक्स्ट्रा धागा कट करके निकाल लिया है, दूसरा भी ऐसे सेम बना दिए। तो दोनों को डेकोरेट कर देंगे 100 बटन लगा कर। तो मैंने दोनों फ्लावर को साइड रख के ये ब्लाउज़ ले लिया। ब्लाउज के गले पे फ्रिल वाले डिज़ाइन पूरा बराबर करते स्टिच करेंगे। तो डिज़ाइन ले लिया, अब डिज़ाइन के पहले एक कॉर्नर को स्टिच कर देंगे। तो देख लीजिए वीडियो में आपको क्लियर हो जाएगा। इस तरीके से पूरा डिज़ाइन स्टिच कीजिएगा इस पर। तो इसको बिल्कुल बराबर रखते हुए स्टिचिंग कीजिए, जैसे मैं वीडियो में दिखा रही हूँ ऐसे गले से बिल्कुल बराबर में स्टिच कर लीजिएगा। और यहाँ से भी इसका दूसरा कॉर्नर भी अच्छे से स्टिच कर देंगे, एक्स्ट्रा कट करके निकाल देंगे। अब इसको डेकोरेट करना है तो लेस लेंगे, और लेस को इसको बिल्कुल जहाँ सिलाई लगा के डिज़ाइन को स्टिच किया फ्रिल वाली, सेम वहीं से सिलाई लगाते हुए लेस को भी स्टिच कर देते हैं। तो ये देख लीजिए एक साइड से लेस की स्टिचिंग हो चुकी है, अब दूसरे साइड से भी लेस को स्टिच कर देंगे पूरा। तो अच्छे से पूरा लेस स्टिच कीजिएगा। तो मैंने ये देख लीजिए पूरे गले पे लेस की स्टिचिंग अच्छे से कर दी है। जो फ्लावर दोनों बनाए हुए फ्लावर से डेकोरेट करेंगे। तो यहाँ से एक कॉर्नर से फ्लावर को दोनों को अच्छे तरीके से यहाँ से रखते हुए स्टिच कर लीजिएगा। तो मैंने फ्लावर ये स्टिच कर दिए। मेरे ब्लाउज डिज़ाइन देखिए बिल्कुल कंप्लीट, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है, बनाने में बहुत ज़्यादा इजी था, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। अगर आपको भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा वीडियो को, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा मेरे ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। चलिए फ्रेंड मिलते हैं नए वीडियो में नए डिज़ाइन साथ, जो ऐसे ब्यूटीफुल और सिंपल हो, जो आपको सबसे आसान तरीके से समझ में भी आ जाए। मिलते हैं नए वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।